कि भाई तुम इंडियन नागरिक हो कि नहीं, यहीं पे वो पेच है कि वहां पे आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे और क्या रिकॉर्ड वो दिखाएगा तो आप मानेंगे। आपके रिकॉर्ड पे वो है कि नहीं, अभी तो यही नहीं वो है, उसके लिए आपने कई रजिस्टर्स वगैरह बनवाए हैं। तो उस लेवल पे पर्सिक्यूशन ना हो तो ये बेहद जरूरी है। और ये बिल्कुल सही कहा अश्वनी जी ने कि भाई जो लोग वहां पे हिंदू होके रह गए हैं, अपना जनेऊ बचा रहे हैं, तो उसको कहां शरण मिलेगा? उसको क्या नेपाल शरण देगा या उसको बर्मा शरण देगा? उसको हम शरण दे सकते हैं, लिहाजा अगर वो आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके साथ जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हर लॉजिक का एक होता है, इसको कहते हैं SNP डॉक्ट्रिन, ऑल काउज आर नॉट एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट काउज। यहाँ पे यही डॉक्ट्रिन चलेगा लॉजिक का कि आपने ये पता करने के लिए कि भारतीय नागरिक हो कि नहीं, ये तो करेंगे ना, और ये जब असम में करेंगे तो वहां पे आप पर्सिक्यूशन शुरू कर देंगे और वो पर्सिक्यूशन चुनावी फायदे के लिए हो सकता है। इसका डर जरूर है, इससे बचना चाहिए और इसीलिए अपोजिशन ये चीजें कहता है। जी अश्विनी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि एनके सिंह साहब ये कह रहे हैं कि लागू तो कर दिया गया लेकिन अभी भी एक कदम दूर है, वो है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या रहेगा, चूंकि खुद आप एडवोकेट हैं, थोड़ा आप समझा पाए। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें रंजना जोड़ना चाहूंगा, चूंकि उसके बाद थोड़ा समय के आधार पर भी, अगर चुनावी नोटिफिकेशन जारी होता है अश्विनी जी, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, क्या उस दौरान भी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होगी वो चलती रहेगी? यानी पेपर दिखाना पड़ेगा बकायदा? देखिए, पहली बात तो ये बहुत सीधी सी बात है, इनके सर हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और हम तो बहुत कुछ उनसे सीखते रहते हैं। इसका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं, नोटिफिकेशन आ गया है, एक विंडो ओपन हो गई है। अब ये कहा जाएगा कि भैया आपको 5 साल हो चुके हैं भारत में, और यदि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, यदि आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई हैं और आपको 5 साल रहते हुए हो गया है, तो आप अपने DM के यहां जाइए, अप्लाई करिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये भी इसमें एकदम ओपन है कि नहीं, जितने लोग आए सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसमें भी कंडीशन दी हुई है, आप 5 साल रह चुके हैं तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सामान्यतया ना सामान्य व्यक्ति को जो सिटीजनशिप की कंडीशन है 10 साल, अब वो बेचारे चूंकि प्रताड़ित होके आए हैं तो उनके लिए 5 साल है, इस साल में 5 साल की उनकी छूट है। जैसे अदनान सामी को सिटीजनशिप मिली है, या सिटीजनशिप एक्ट में कोई भी आके सिटीजनशिप ले सकता है, वो चाहे वो चाइना का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे फ्रांस का हो, किसी भी देश का हो, उसको सबको भारत में सिटीजनशिप लेने के लिए एप्लीकेशन डालने की छूट है जी। लेकिन एप्लीकेशन जो टर्म्स कंडीशन है वो 10 साल भारत में रहने की है जी। यहाँ पे क्योंकि ये बेचारे सब कुछ छोड़ के आए हैं और ये और के अगर इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ये कन्वर्ट हो गए होते, इन्होंने कलमा पढ़ लिया होता, अपना खतना करा लिया होता और ये कबूल कबूल करके इस्लाम कबूल कर लिए होते, इनको आने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया अपने खेत खलिहान में रहते, अपने दुकान मकान चलाते रहते। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ा है, चूंकि ये अखंड भारत में थे, बंटवारे में इनका कोई दोष नहीं है, इनसे पूछ के बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा तो पॉलिटिकल अपनी कंपल्शन के कारण हुआ, भैया ठीक है तुम भी राजा बनो, हम भी राजा बने, उसकी एक अलग कहानी है। तो इनका कोई दोष नहीं था, इनसे कोई पूछ के भारत पाकिस्तान नहीं बना, इसलिए भारत की ड्यूटी है कि कम से कम वो इनको शरण दे दे, उनको नागरिकता दे दे और थोड़ी सी छूट दे दी गई। अदरवाइज ओपन विंडो है, कई सारे पाकिस्तान के एक्टर को नागरिकता मिली है, कई सिंगर्स को नागरिकता मिली है, अभी भी बहुत सारे लोग, आखिर वो तस्लीमा नसरीन आज भी भारत में रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, ये केवल सिटीजनशिप देने में थोड़ा सा छूट दिया गया। बिल्कुल, तापस मैं आपके पास आऊंगा, जरा ये बताइए, मुझे लगता है विपक्ष को अनुमान भी नहीं रहा होगा, अंदाजा भी नहीं रहेगा कि आज सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर अभी रिएक्शंस कैसे हैं? दूसरा, अखंड भारत को लेकर ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अब तक का माना जा रहा है। जी देखिए, बेशक हम कह सकते हैं कि ये ट्रंप कार्ड रहा है मोदी सरकार का, चुनाव भी मौसम में जब एक के बाद एक विरोधियों को घेरा जा रहा है, इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर CAA में किसी भी इंसान को डिप्राइव किया जाता है, उन्हें वंचित किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। लेकिन अगर नैरेटिव देखें, एक नैरेटिव सेट हो रहा है विरोधियों की ओर से, ममता बनर्जी ने भी आज कहा है कि अगर ये CAA NRC का रास्ता खोल देता है और लोगों को आइडेंटिफाई करके देश के बाहर भेजा जाता है,
या डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है तो तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी, इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक तो चुनावी मौसम है, दूसरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो ध्रुवीकरण बिल्कुल उसका भी लाभ कहीं ना कहीं विरोधी उठाने की कोशिश जरूर तापस बिल्कुल बंगाल में इसका बहुत बड़ा असर होता दिखाई देगा क्योंकि बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री अभी थे और जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर चर्चा हुई थी तो बंगाल को लेकर ही हुई थी। आप सभी का धन्यवाद, अश्विनी जी आपका भी और एनके सिंह साहब आपका भी, तापस आपका भी। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त और CAA का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लागू हुआ CAA, बड़ी जानकारी। इसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी, नोटिफिकेशन भी इसको लेकर अब जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय से CAA को लेकर एक बड़ा जो डिस्कशन है वो देखा जाता रहा। विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास चंद्र, क्या कुछ नोटिफिकेशन को लेकर अधिक जानकारी मिल रही है? जी, जो अभी तुरंत इस बात जानकारी आई है कि मोदी सरकार ने जो CAA को लेकर के दोनों सदन से पास हो गया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा थी तो वो हो गया है और मोदी सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है। आपने देखा होगा कि जब CAA इस देश का आज से CAA पूरे देश में लागू हो गया, जो वादा मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो पूरा हो चुका है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, CAA लागू होने के बाद किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वादा जो किया गया था वो नोटिफिकेशन के साथ ही पूरा हो चुका है। नोटिफिकेशन की कॉपी इस वक्त आपके स्क्रीन पर, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, CAA को लेकर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी ने कह दिया है कि CAA और NRC से किसी की नागरिकता छीनी गई तो हम विरोध करेंगे। CAA की अधिसूचना पढ़ने के बाद बाकी का जो रिएक्शन है वो दिया जाएगा TMC की तरफ से। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए, आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको